नमस्ते सभी। तो अब जो मुक्ति कहा जाता है, तो क्या वो कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बात हो गई। और फिर एक वीडियो में सुन रहा था एक स्वामी जी का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुक्ति निरंतर नहीं है, फिर से जब दुनिया शुरू हो जाएगी कुछ अरब सालों के बाद, तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में आ जाएंगे। ये एक बात उन्होंने कही थी, क्योंकि मुक्ति को उन्होंने अर्थ दिया था कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। तो क्या राइट अंडरस्टैंडिंग जो हम कह रहे हैं ये नियमित निरंतर बनी रहेगी, या फिर प्रलय के साथ ये फिर से ये चक्र फिर से शुरू हो जाएगा? देखिए इसमें चैतन्य को समझना बनता है, अस्तित्व को समझना बनता है ना। तो देखिए दो शब्द हैं, एक है मुक्ति और एक है युक्ति। तो मुक्ति कहते हैं ना, तो जिससे छुटकारा पाना है उस पर ध्यान जाता है। युक्ति कहते हैं तो जिसमें निरंतरता है उस पर ध्यान जाता है। तो दुख से मुक्ति कहना अधूरी बात है। जो हम यहाँ बात कह रहे हैं वो निरंतर सुख से युक्ति है। तो जो हम दुख से मुक्ति कहते हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं होता कि मुक्त होकर क्या, आगे का नहीं दिखा। जैसे हम कहें कि रोग से मुक्ति हो जाए, तो रोग से मुक्ति हो गया बट मुक्त होकर कहाँ पहुंचे, स्वास्थ्य हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हम कहाँ से देख रहे हैं चीजों को, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो रोग से मुक्ति एक बात है, स्वास्थ्य से युक्ति अलग बात है। जब स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो गया, वैसे दुख से मुक्ति हो गई, यह अधूरी बात है। निरंतर सुख से युक्ति हो गई है ना, ये पूरी बात है। तो क्या हुआ कि यदि हम दुख के तरफ से देखें तो दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। यदि हम निरंतर सुख को समझने जाते हैं, उसके लिए हम चिंतन बोध अनुभव के लिए काम करते हैं, तो निरंतर सुख से युक्त होने का क्या अर्थ है वो समझ में आता है। फिर ये संशयता, ये प्रश्न हमारे, इनका समाधान होता है। तो मुक्ति अधूरी बात है ना। मुक्त होकर किस बात से युक्त हुए ये देखना बनता है। तो अगर हमारे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए तो हमारे अंदर निरंतर सुख की स्थिति बनी रहती है। ठीक, उस निरंतर सुख की स्थिति में फिर हम अपनी भागीदारी जिम्मेदारी तय करते हैं, शरीर के साथ भी तय करते हैं, अन्य मनुष्य के साथ भी तय करते हैं, शेष प्रकृति के साथ भी तय करते हैं। फिर हम एक करुणा के भाव के साथ तय करते हैं कि आगे मुझे क्या निर्णय लेना है, शरीर चलाना है या नहीं चलाना है। बिना शरीर के ही अगर मैं समाज में व्यवस्था के लिए काम कर पाऊँ, मानवीय परंपरा के लिए काम कर पाऊँ, बहुत अच्छा। अगर लगता है उसके लिए शरीर को चलाना आवश्यक है तो शरीर भी चला लेंगे। अब जो भी मैं करता हूँ करुणा के भाव के साथ करता हूँ, शरीर चलाता हूँ तो करुणा के भाव के साथ, संबंध का निर्वाह करता हूँ करुणा के भाव के साथ, है ना। व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ करुणा के भाव के साथ, मेरे अंदर निरंतर सुख की स्थिति बनी रहती है। अब ये जो प्रलय और सृष्टि की बात है ना, तो देखिए अस्तित्व जो हमको समझ में आता है, हमको दिखता है कि अस्तित्व हमेशा से था, है और रहेगा। अधिक से अधिक इसमें जड़ में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहेंगे, पहले भी हुए, आगे भी होंगे, ठीक है ना। चैतन्य में कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता नहीं, निरंतर इकाई है। तो अस्तित्व का लोप हो जाए, मिट जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं। ना अस्तित्व में कोई नए सिरे से है ना कोई नया बन जाए, ऐसा होता नहीं। अधिक से अधिक जड़ में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, चैतन्य में परिमार्जन होता है। तो जड़ में परिवर्तन, चैतन्य में परिमार्जन, उतना ही होता है, वो क्रम चला रहेगा, चलता रहेगा। अब ये जरूर हो सकता है कि भौतिक रासायनिक इकाइयों में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि जो बाकी तीन अवस्थाएं हैं या जो हमारा शरीर है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से न बनी रहे, है ना, ऐसा हो सकता अच्छा। है। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। मान लीजिए जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है, ज्वालामुखी आता है, ठीक। तो ज्वालामुखी आने के पहले जो धरती की सतह पे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ठीक है ना, मिट्टी हवा पानी है, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। सारे पेड़ पौधे जल गए, है ना, मिट्टी जो है लावा में बदल गया, पानी भाप बन के उड़ गया, पेड़ पौधों का मतलब पशु पक्षियों का शरीर जल गया, चैतन्य इकाइयां बनी रही। अगर वहां मानव रहे तो मानव के साथ यही होगा, शरीर नहीं रहेगा, मैं बना रहेगा। अब यदि कोई इसको प्रलय का नाम दे कि प्रलय हो गया,
ठीक है, तो इसको प्रलय कह सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इकाइयों का लोप हो गया, इकाइयां हैं बनी रही, जड़ इकाइयों में जो परिवर्तन पहले हो रहा था वही अब भी हुआ, पहले एक प्रकार से रूप गुण परिवर्तन हो रहा था, अब दूसरे प्रकार से हो गया रूप गुण परिवर्तन। पहले वो हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे, पशु पक्षी दिखाई दे रहे थे, है ना, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, अब वो पूरा आग का लावा बन गया, इतना ही हुआ। जो धरती के एक कोने में हो सकता है पूरी धरती पर भी हो सकता है, फिर वो धीरे धीरे शीतल भी हो सकता है, फिर चारों अवस्थाएं फिर से आ जाएंगी। चैतन्य का ये तो बनी ही हुई थी, अनुकूलता हुई, शरीर ले लिया साथ में। ये सारा परिवर्तन तो धरती के किसी भी हिस्से पे आज के दिन भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, है ना। आप चूल्हे पे लाइटर जलाते हैं, चूल्हे पे आग आते हैं, ठीक वही बैगन जो पहले एक रंग का दिख रहा था अब जल भूनकर दूसरे रंग का हो जाता है। तो देखे तो उसमें रूप गुण परिवर्तन हो गया उस बैगन में, चूल्हे में आग लग जाने से, ठीक जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो धरती के है ना किसी न किसी भाग में आज भी हो रहा है, आज के दिन भी धरती के भीतर लावा मैग्मा ये सब तो बहुत उच्च तापमान पे बना ही हुआ है, वही उभर के बाहर आ जाता है। धरती के ऊपर जो बहुत सारी भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वो धरती के हर जगह हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारा परिवर्तन तो होता ही रहा है, हो रहा है, आगे भी होगा, इसमें कोई भी सृष्टि का लोप नहीं है, या यूं कहें कि सृष्टि या प्रलय जैसी बात नहीं है, अस्तित्व तो है। जड़ जड़ इकाइयों में जड़ परिवर्तन हो रहा है, चेतन इकाइयां निरंतर बनी हुई है, इतना ही है, वो चल रहा है, क्रम आज भी चल रहा है। तो अस्तित्व में कुछ भी नया नहीं होना है, वही हो रहा है जो हो सकता है और जो होता रहा है। ठीक। तो ये बात हमको समझ में आती है जब पूरा अस्तित्व हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है ना। अब इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समाधान मिलता है अपने को कि भाई धरती का कोई कहता है सूरज का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या कभी अरबों साल बाद ऐसा होगा क्या कि सूरज शीतल हो जाएगा, धरती को जो ऊर्जा मिल रही है सूरज से नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा। तो स्थिति आज के दिन भी है, धरती के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ सूरज की गर्मी नहीं पहुंचती, आप देखें तो समुद्र के भीतर जो भाग है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी वेजिटेशन है, वहां भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं। बिल्कुल तो सही। जड़ इकाइयों में रूप गुण परिवर्तन के अनुसार रचना विरचना होती रहती है, और परिस्थिति की अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार रचना विरचना में परिवर्तन होता रहता है, वो आज भी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, बहुत सारे ऐसे भाग है जहाँ सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा जाती है, बहुत सारे ऐसे भाग है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती मगर तापमान बहुत ज्यादा है। धरती के भीतर देखें तो है ही है। ये बात हमको जब पूरी प्रकृति समझ में आती है, अस्तित्व समझ में आता है, तो हमारे अंदर से कुछ भी भय नहीं रह जाता, कोई रहस्य नहीं रह जाता, जड़ जड़ की तरह दिखाई देता है, चैतन्य चैतन्य की तरह दिखाई देता है, संपृक्तता दिखती ही रहती है। तो ये जो हमारे अंदर जितना भी संशयता है, भय है, शंका है ना, उन सबसे मुक्त हो जाते हैं, इसको कहें मुक्ति, इनसे मुक्त हो गए हम। बट इससे मुक्त होकर कहाँ पहुंचे, तो निरंतर सुख की स्थिति में आ गए, इसको कहा युक्ति, निरंतर सुख से युक्ति हो गई। अब हमको अपनी स्थिति भी स्पष्ट है, शून्य में संपृक्तता तो स्पष्ट है ही, जीने का कार्यक्रम भी स्पष्ट है, और मेरे अंदर हमेशा सत्य का ज्ञान बना रहता है, मानव के प्रति प्रेम का भाव बना रहता है, व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति, परंपरा के प्रति करुणा का भाव बना रहता है, और मैं निर्वाह करता रहता हूँ आश्वस्ति के साथ। अब मैं पूरे अस्तित्व को जैसा वैसा देख रहा होता हूँ, ये जो समय की सीमा में देखने का काम है ना, इससे भी मैं मुक्त हो जाता हूँ। अब मैं निरंतरता में देखता हूँ चीजों को, सार्वभौमिकता में देखता हूँ चीजों को। ये जो अपने आप को हम शरीर मान के जीते हैं ना, तो हम सामयिकता में देखते हैं चीजों को, है ना। हर चीज में टेम्पररी लगता है, शरीर टेम्पररी, सुविधाएं टेम्पररी, तो लगता है मैं भी टेम्पररी, तो लगता है एग्जिस्टेंस भी टेम्पररी, तो आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंस हमेशा से था, है और रहेगा, मैं भी हमेशा रहूंगा, जड़ इकाइयां भी हमेशा रहेंगी। तो एक हमारे अंदर नित्य वर्तमानता का भाव आता है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। ये क्षणिकता से जो नित्य वर्तमानता में जीना है, ये एक मेजर शिफ्ट है। फिर आप देखेंगे कि जो टाइम डोमेन को लेकर हमारा बहुत सारा कंसर्न बना रहता है ना, उसका बहुत सारा फियर, अप्रीहेंशन, डाउट, कंफ्यूजन बना रहता है, उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कल्पना करके हम कहते हैं मुक्ति हो गई, उसको फिर कहते हैं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो गई। ठीक बात है, हर तरह के बंधन से मुक्ति हो गई,
सिर्फ जन्म मरण क्यों कहें, हर तरह के बंधन से मुक्ति मिलेगी, है ना। सामयिकता भी एक बंधन है, जहां मैं हर चीज को सामयिकता में देखता हूँ, मैं अब नित्य वर्तमानता में देखता हूँ चीजों को। अब उसके साथ मेरे अंदर निरंतर सुख की युक्ति हो गई। इसी को परंपरा में कई प्रकार से कहा गया। मुक्ति की बात हुई तो फिर युक्ति की भी बात हुई। युक्ति को भले ही हमने विस्तार से नहीं रखा, मुक्ति को तो रखा। तो हम कई बार मुक्ति की तरफ से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ फंसे हैं, वहां से तो निकले। अभी शरीर में रोग है तो हम सोचते यहां से निकल जाए, है ना। स्वास्थ्य क्या होता है बाद में देखा जाएगा, बट यदि हमको संपूर्णता में प्रस्ताव मिले तो हम पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। रोग की से मुक्ति तो उसका एक छोटा भाग है। वैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात है कि भाई निवृत्त हो जाए, है ना। ये एक तरफ से देखते हैं तो दिखाई देता है, अदरवाइज मानवतापूर्ण आचरण में प्रवृत्त हो जाए, निरंतर सुख में प्रवृत्त हो जाए कि नहीं। जी ऐसा है, ठीक है। मतलब जो राइट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग हम जिसको कह रहे हैं, तो वो कोई सामयिक चीज नहीं है। एक बार जब वो बन जाती है तो वो बनी रहेगी। बिल्कुल, राइट अंडरस्टैंडिंग में विकास है ना, उसमें तो कोई चक्रियता है नहीं, वापस लौटने वाली स्थिति है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम भागीदारी में अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे, शरीर के साथ या शरीर के बिना। हाँ देखिए, भागीदार तो हम ऐसे भी हैं, शून्य के माध्यम से मैं अहंकार से जुड़ा हूँ, भागीदार हूँ ही, ठीक है ना। अब उस ज्ञान के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। ये क्यों कहा जाता है कि जो भगवान ये सब करता है, परमेश्वर ये सब कुछ करता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए। देखिए क्या है, चीजें सहस्तित्व पूर्वक जितने व्यवस्थित ढंग से हो रही है ना, वो मानव को अगर नहीं समझ में आए तो मानव उसके लिए कोई ना कोई कर्ता ढूंढ लेता है। जी जी जी, तो अब आप देखिए तो प्रकृति में इतनी व्यवस्था बनी हुई है, एक एक परमाणु में इतनी व्यवस्था बनी हुई है, ठीक, और इतने सारे परमाणु हैं, इतनी सारी इकाइयां हैं। अब कई बार तो हम भाव विभोर होकर कोई बात कहते हैं, ठीक, परंतु जब हमको चैतन्य चैतन्य की तरह, जड़ जड़ की तरह, शून्य शून्य की तरह दिखाई देता है, ठीक, तो फिर हमको दिखता है कि भाई इसमें चैतन्य ही करता है और सहस्तित्व पूर्वक चीजें व्यवस्थित हैं। उस संपृक्तता को जो हम देखते हैं, ठीक है ना, उस स्थिति में जो भी हम कहते हैं तो हम एक तरह से देख रहे हैं, कह रहे हैं, सुनने वाला तो देख नहीं रहा उसको, तो उसको सामान्य भाषा में कई बार रखने के लिए कर्ता भाव जोड़ देते हैं। बट कर्ता भाव जैसे हमने इस पे जोड़ा, फिर हमको अपने कर्ता भाव पे, है ना, शंका होने लगती है। जी भैया, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया भैया।